हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि पाइथन में लिस्ट क्या होती है और लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है और कैसे एक्सेस किया जाता है। पाइथन में लिस्ट को कंटेनर कहा गया है। ये एक कंटेनर की तरह होता है, मतलब एक बार में एक ही वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। वो वैल्यूज किसी भी टाइप की हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि उन वैल्यूज का टाइप एक ही हो। लिस्ट म्यूटेबल होती है, इसका मतलब ये है कि हम इसकी वैल्यू में चेंजेस कर सकते हैं। लिस्ट बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होगा। उस स्क्वायर ब्रैकेट में आप किसी भी तरह की वैल्यूज दे सकते हो, जितनी चाहो उतनी वैल्यू दे सकते हो और उनका टाइप भी अलग हो सकता है। एम्प्टी लिस्ट, खाली ब्लैंक लिस्ट अगर आप बनाना चाहते हो तो एल इक्वल्स टू किसी भी नाम से वेरिएबल और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट दे दीजिए, उसमें कोई भी वैल्यू पास ना करें। और लिस्ट फंक्शन का भी यूज हम कर सकते हैं एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए। लिस्ट फंक्शन और उसके पेरेंथेसिस में आप कुछ भी पास मत करिए तो वहां से एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी। सेकेंड आती है लॉन्ग लिस्ट। जब आपको बड़ी लिस्ट बनानी हो और वो एक ही लाइन में नहीं आ रही है तो आप कॉमा से उसे सेपरेट कर सकते हो, कॉमा लगाकर एंटर कर दीजिए तो न्यू लाइन पे आप आगे के नंबर्स लिख सकते हो। उसकी क्लोजिंग तभी होगी जब आप स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। थर्ड होती है नेस्टेड लिस्ट। किसी एक लिस्ट के अंदर अगर आपने लिस्ट बनाई है तो वो नेस्टेड लिस्ट होती है। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। मतलब अगर पहले से कोई सीक्वेंस बना हुआ है, उस सीक्वेंस से अगर हमें लिस्ट बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं, वो बनाने के लिए हम लिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ कि एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से हम लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक वेरिएबल बनाया एल। यहाँ पर लिस्ट में मैंने एक सीक्वेंस पास किया ए बी सी डी ई एफ। ये एक स्ट्रिंग है, मैंने सीक्वेंस पास कर दिया। ये सीक्वेंस लिस्ट में कन्वर्ट होगा और L को असाइन हो जाएगा। आप देखिए, जब आप L को प्रिंट करेंगे तो आपके सामने क्या प्रिंट हो रहा है, एक लिस्ट प्रिंट हो रही है। मैंने अभी आपको बताया है कि लिस्ट म्यूटेबल होती है, मतलब ये कि हम इसके एलिमेंट्स में चेंजेस कर सकते हैं। आप देखिए, मैंने L के वन इंडेक्स पे कैपिटल B कर दिया, ये चेंजेस हो जाएगा। अब जब आप L को प्रिंट करेंगे तो उसके वन इंडेक्स पे कैपिटल B आ गया। इसी को कहा जाता है कि म्यूटेबिलिटी, मतलब ओरिजिनल वैल्यूज में चेंजेस हो गया। बट स्ट्रिंग में ये चीज नहीं होती थी। स्ट्रिंग में अगर आपने कोई स्ट्रिंग बनाई है ए बी सी डी ई एफ और आप किसी भी इंडेक्स पे अगर चेंजेस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। अब ये म्यूटेबल और इम्यूटेबिलिटी में कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। एक नोट आपके सामने दिया हुआ है, व्हेन वी टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड स्टोर्ड इन इट इन लिस्ट यूजिंग लिस्ट द डेटा टाइप ऑफ ऑल करेक्टर्स एंटर्ड इज स्ट्रिंग इवन दो वी एंटर्ड डिजिट्स टू एंटर अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स थ्रू कीबोर्ड वी कैन यूज इवन। आप एक चीज ध्यान रखिए, एक लिमिटेशन होती है लिस्ट फंक्शन की। अगर आपने यूजर से इनपुट लिया, मान के चलिए मैंने एक नंबर इनपुट करवाना है, मैंने नम लिखा इक्वल्स टू, यहाँ पर लिस्ट फंक्शन का यूज किया। लिस्ट में मतलब जो भी नंबर मैंने लिया है मुझे उसे लिस्ट में स्टोर करना है। आप इनपुट करेंगे यूजर से, कहेंगे एंटर डिजिट्स, यूजर डिजिट्स एंटर करेगा, एंटर डिजिट्स, यूजर ने डिजिट्स एंटर किए 1 2 3 4 5, उसने एंटर प्रेस कर दिया। मतलब ये 1 2 3 4 5 एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाने चाहिए और नम को मिल जाना चाहिए। ये 1 2 3 4 5 लिस्ट में कन्वर्ट हुए हैं, ये नम को भी मिले हैं, लेकिन इनका जो डेटा टाइप होगा वो डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। आप देखिए, नम को प्रिंट करिए, एक लिस्ट आपके सामने प्रिंट हो रही है, बट आप देखिए जितने भी डिजिट्स हैं ये सब कोट्स में है, मतलब ये स्ट्रिंग की हो गई है। अब इसकी लिमिटेशन क्या हो गई, हम इसके ऊपर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर मैंने लिखा नम के वन इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसमें प्लस हो जाए 2, नम के वन इंडेक्स पे 2 है, 2 में प्लस 2 होगा तो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग प्लस इंटीजर नहीं होता। आई बात आपको समझ में? तो जब भी डिजिट्स के ऊपर अगर आपको ऑपरेशन करना है और उसे लिस्ट में स्टोर रखना है डिजिट्स को,
तो उस केस में हम इनपुट लिस्ट फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पे हम एक फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है ईवेल। ईवेल एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम जिस टाइप की वैल्यू देते हैं वो उसी टाइप में स्टोर हो जाता है, मतलब उसका टाइप कन्वर्जन नहीं होता। इस चीज को भी मैं आपके सामने शो करके दिखाती हूँ। दोबारा से पाइथन स्टार्ट कर लेते हैं जिससे कि क्लियरिटी थोड़ी सी उसकी सही रहेगी। हमने फिर से एक वेरिएबल बनाया l इज इक्वल्स टू ईवेल फंक्शन का मैं यूज कर रही हूँ। ईवेल से मैंने इनपुट लिया, यहां पर लिखा एंटर अ लिस्ट। एंटर अ लिस्ट, आपने एक लिस्ट एंटर की 1, 2, 3, 4। आपने लिस्ट एंटर की तो अब देखिए एल के पास में क्या आ गई, लिस्ट। आप इक्वल्स टू ईवेल इनपुट एंटर इंटीजर, आपने एंटर किया 25। आप देखिए एल के पास क्या आया, इंटीजर का 25। आपने एंटर किया एल इक्वल्स टू ईवेल इनपुट एंटर फ्लोट, आपने लिखा 2.15। आप एल को प्रिंट करिए, क्या प्रिंट हो रहा है, 2.15। जब भी हम इनपुट फंक्शन से कोई भी इनपुट लेते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन हो जाता है, जिस भी टाइप की वैल्यू है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ईवेल फंक्शन की ब्यूटी ये होती है कि जिस भी टाइप की वैल्यू आप इनपुट कर रहे हो उसका टाइप कन्वर्जन नहीं होने देता है, मतलब वो जिस टाइप का है उसी टाइप का उसे स्टोर कर देता है। अब आप ये देखिए 1, 2, 3, 4, मैंने आपको बोला कि वहां पर वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा था, उसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अब हमने यहाँ पर ईवेल फंक्शन का यूज किया और हमने 1, 2, 3, 4 एक लिस्ट में ही इनपुट किया। आप देखिए जब लिस्ट प्रिंट हो रही है तो 1, 2, 3, 4 ये इंटीजर के हैं। तो जब भी कभी हमें यूजर से इनपुट लेके किसी भी चीज को लिस्ट में स्टोर करना है या किसी भी उसका टाइप कन्वर्जन नहीं होने देना है तो हम ईवेल फंक्शन का यूज करेंगे। तो जिस टाइप की वैल्यू आप इनपुट करोगे वो उसी टाइप में रहेगी, उसका टाइप कन्वर्जन नहीं होगा ईवेल फंक्शन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, ये ईवेल फंक्शन को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ईवेल में, ईवेल की एक और ब्यूटी होती है, अगर आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा है स्ट्रिंग के स्ट्रिंग में तो उस एक्सप्रेशन का कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन करने के बाद में उसकी वैल्यू को भी प्रिंट कर देगा। अब आप देखिए आप लिखेंगे ईवेल और स्ट्रिंग में डबल कोट्स में 5+8 लिखते हो तो ये डबल कोट्स को नहीं देखेगा, बस 5+8 एक्सप्रेशन को देखेगा, उसे कैलकुलेट कर देगा और आपके सामने प्रिंट कर देगा। ये दो जगह है जहां हम ईवेल का यूज कर सकते हैं। लिस्ट की वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए बिल्कुल वही तरीका यूज किया जाता है जो कि स्ट्रिंग के साथ किया जाता था। जैसे स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग का यूज होता है वैसे ही लिस्ट में भी इंडेक्सिंग का यूज होता है। क्यों? क्योंकि लिस्ट में भी बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह ही स्टोरेज होती है, 0 से 5 फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है और उन्हीं इंडेक्स नंबर को यूज करके हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट स्ट्रिंग के काफी सिमिलर है। किस किस चीज में सिमिलर है वो चीज बताई जा रही है। लेंथ, आप len फंक्शन का यूज स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हो, लिस्ट के लिए भी कर सकते हो। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जो कि स्ट्रिंग में होती थी वही लिस्ट में भी होती थी, ये आप स्ट्रिंग में अच्छे से पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ पर ये डिटेल में नहीं बताया गया है। सेम वही ऑपरेशन अप्लाई होंगे जो स्ट्रिंग के ऊपर होते थे और वही मेथड्स यूज होती हैं। जैसे आपने 0:5 लिखा है तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 5-1 तो 4 इंडेक्स तक वो एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। जो भी मेंबरशिप ऑपरेटर स्ट्रिंग में आपने पढ़े थे वो लिस्ट में भी होते हैं। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर और एप्लीकेशन ऑपरेटर जो कि स्ट्रिंग में जैसे काम करते थे एज इट इज लिस्ट में भी करते हैं। लिस्ट और स्ट्रिंग में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस है म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी का, जो कि मैं अभी आपको करके दिखा चुकी हूँ। स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है जबकि लिस्ट म्यूटेबल होती है, जिसमें ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस हो जाता है। ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट, ट्रेवर्सिंग भी आप पढ़ चुके हो, लिस्ट में आगे पीछे मूव करने के लिए लूप का यूज किया जाएगा। लिस्ट अगर बन रही है तो आप कोई वेरिएबल बनाइए फॉर में और लिस्ट का नेम लिख दीजिए a in l
ऑटोमेटिकली लिस्ट में से एक एक एलिमेंट लिया जाएगा, ए को दिया जाएगा, देन जो भी स्टेटमेंट आपने फॉर लूप में लिखे हैं वन बाय वन वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। कंपेयरिंग लिस्ट, कंपेयर करने के लिए ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ये ऑपरेटर्स पाइथन इंटरनली कंपेयर्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअली पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट का कंपैरिजन होता है, उसके बाद में ही रिजल्ट प्रिंट होता है। कंपैरिजन जैसे स्ट्रिंग के केस में होता था वैसे ही लिस्ट में भी होता है। लिस्ट ऑपरेशन, जॉइनिंग लिस्ट, दो लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए प्लस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। लिस्ट में भी आप नंबर या स्ट्रिंग का एडिशन प्लस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के केस में लिस्ट के साथ में नंबर और स्ट्रिंग को यूज नहीं किया जा सकता। लिस्ट लिस्ट के साथ में ही कॉन्केट होगी जैसे कि स्ट्रिंग के केस में होता था। रिपीटिंग और रेप्लिकेटिंग लिस्ट, मतलब एक ही लिस्ट को अगर आप रिपीट करना चाहते हैं देन रेप्लिकेटिंग, रिपीटिंग या रेप्लिकेटिंग ऑपरेटर का यूज करिए, उतने टाइम वो लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। स्लाइसिंग द लिस्ट, ये भी बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह है इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट हूँ यहाँ पर। देन जैसे स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं वैसे लिस्ट के भी कुछ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले होता है इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन किसी भी इंडेक्स में मतलब किसी भी आइटम का, किसी भी नंबर का अगर आप इंडेक्स देखना चाहते हो कि उसका लिस्ट में कौन सा इंडेक्स है तो आप इंडेक्स फंक्शन का यूज करिए। लिस्ट डॉट इंडेक्स और आइटम, जो भी आइटम आप पास करोगे वो किस इंडेक्स पे होगा वो इंडेक्स आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। एपेंड फंक्शन, एपेंड फंक्शन का यूज होता है लिस्ट के साथ में सिर्फ एक एलिमेंट को ऐड करने के लिए। मतलब आपकी लिस्ट बनी बनाई है उसमें अगर आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट को ऐड करना है तो आप एपेंड फंक्शन का यूज करिए। एक्सटेंड फंक्शन का यूज होता है ये मल्टीपल एलिमेंट्स को, मतलब एक लिस्ट के साथ में आप एक और लिस्ट को ऐड कर सकते हो। एक्सटेंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं या कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का, इन दोनों का काम एक ही होता है, एक लिस्ट के साथ में दूसरे लिस्ट को ऐड करके और फिर फाइनल लिस्ट आपके सामने प्रिंट की जाती है। डिफरेंस बिटवीन एपेंड एंड एक्सटेंड समझाया जा रहा है। एपेंड फंक्शन वन एलिमेंट को ऐड करता है जबकि एक्सटेंड फंक्शन मल्टीपल एलिमेंट को जो कि एक लिस्ट के फॉर्म में होती है उसे ऐड कर देता है। इंसर्ट फंक्शन एक एलिमेंट को इंसर्ट करेगा। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, एपेंड और एक्सटेंड जो भी एलिमेंट ऐड करता है वो लिस्ट के एंड में करता है, लास्ट में। बट अगर आपको बीच में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट अगर इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। लिस्ट डॉट इंसर्ट पोजीशन, मतलब किस पोजीशन पे आपको करना है वो इंडेक्स देंगे, कॉमा और जो भी नंबर आपको उसमें इंसर्ट करना है, जो भी एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है वो आइटम आप लिख देंगे, वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा। पॉप फंक्शन का यूज होता है लिस्ट से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। पॉप फंक्शन एक बार में एक एलिमेंट को रिमूव करेगा और ये रिमूव जो करेगा वो लास्ट से, एंड से रिमूव करना स्टार्ट करेगा। आप डायरेक्ट लिखिए लिस्ट डॉट पॉप, अगर आप यहाँ कुछ भी नहीं देते हैं तो लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर देगा और अगर आप यहाँ इंडेक्स दोगे तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स को, उस इंडेक्स की जो वैल्यू है उसे रिमूव कर देगा। नेक्स्ट रिमूव, रिमूव फंक्शन जो फर्स्ट अकरेंस ऑफ गिवन आइटम फ्रॉम द लिस्ट, अगर 10 कई बार है, मान के चलिए 10 एलिमेंट है जो कई बार है तो उस 10 का जो फर्स्ट अकरेंस होगा रिमूव उस एलिमेंट को रिमूव करेगा। आप जो भी वैल्यू दोगे उसका जो फर्स्ट अकरेंस होगा उस वैल्यू को ये रिमूव कर देगा। क्लियर पूरी लिस्ट को क्लियर कर देता है, पूरी लिस्ट को एम्प्टी लिस्ट बना देगा। मतलब लिस्ट डिलीट नहीं होगी, लिस्ट का ऑब्जेक्ट मेमोरी में होगा बट लिस्ट को क्लियर कर देगा, खाली कर देगा। काउंट, किसी भी आइटम को आपको काउंट करना है कि वो लिस्ट में कितनी बार है तो उसका नंबर ऑफ अकरेंसेस जितनी भी बार होगा वो नंबर आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट रिवर्स, पढ़ के समझ में आ रहा है, किसी भी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। सॉर्ट का यूज होता है किसी भी लिस्ट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का, किसी भी लिस्ट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। अगर आप उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप सॉर्ट में रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिख दीजिए। एंड डिलीटिंग लिस्ट, अगर आप पूरी लिस्ट के ऑब्जेक्ट को ही डिलीट करना चाहते हो, मेमोरी से ही डिलीट करना चाहते हो तो डेल का यूज करिए, DEL कीवर्ड का, DEL और लिस्ट का नाम, तो ये पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा मेमोरी से। ये हुआ लिस्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टपल्स क्या होता है। यहाँ मैं थोड़ा सा फास्ट थी क्योंकि मुझे पता है ये सब आप सबको आता है
और ये सिर्फ एक रिवीजन था, ये जितने भी फंक्शन से इन्हें आप बनाकर देखिएगा, प्रैक्टिकली कर देखिएगा, तो ये क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप